सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कनाडा में इन डिमांड जॉब्स कौन सी हैं, फिर वर्क परमिट की तरफ आएंगे कि वर्क परमिट कौन लोग ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि अगर तो ये जो जॉब्स मैं बताने लगा हूँ इसमें से आपका कोई सेक्टर है, आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपका इसमें से कोई सेक्टर नहीं है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम ना ज़ाया करें, ठीक है। नंबर वन, ट्रक ड्राइवर जो होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। नंबर दो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन में अब मेसन भी आ जाते हैं जिसे आम अल्फाज में मिस्त्री बोलते हैं, लेबर यानी कि मजदूर बंदे वो भी आ जाते हैं, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाले, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, ठीक है, प्लम्बर हेल्पर, ये सारी जो फील्ड्स होती हैं ये कंस्ट्रक्शन में आती हैं। तो ये भी सारी जॉब्स कनाडा में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, ठीक है। नंबर तीन, शेफ़ जो होते हैं, कुक होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। और फाइनली नंबर फोर, नर्सिंग डॉक्टर्स और हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। अब अगर तो इनमें से कोई भी आपकी कैटेगरी है आप इस वीडियो को देखते रहें, अगर आपकी इनमें से कैटेगरी कोई नहीं है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कनाडा विजिट वीज़ा पे जाके वर्क वीज़ा कैसे लें और फिर पीआर कैसे लें, टॉपिक को मैं इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो 15 मिनट तक चली जाए, 20 मिनट तक चली जाए, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टॉपिक को मैंने सादा अल्फाज में ए टू जेड सारी चीज़ें आपके जहन में आज बिठा देनी है ताकि यार कोई ना कोई बंदा तो इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो लोग दुनिया के नाकाम तरीन लोग हैं जिनका ख्याल ये है या जो ये सोच रखते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, वो इस वीडियो को स्किप कर दें, वो इस वीडियो में आगे प्रोसेस को देखें ही ना, क्योंकि उनका मतलब जहन में बैठी होती है कि नाकाम होना ही होना है, तो वो फिर वो नाकाम ही होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो से दूर हो जाएं अगर आपकी सोच ये है। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, सीरियस ट्रैवलर हैं, आप वाकई इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फिर देखते रहिए। टू द पॉइंट, 3 से 4 स्टेप्स होंगे, आपने इनको फॉलो करना है। जैसे ही आप इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह वजह कनाडा का जो पीआर और वर्क परमिट है वो 100% आप अश्योरिटी के साथ खुद हासिल कर सकते हैं। आपने इस प्रोसेस को समझना है, इसको अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करना है। स्टेप नंबर 1, गेट कैनेडियन टूरिस्ट और विजिट वीज़ा। सबसे पहले टूरिस्ट और विजिट वीज़ा में फ़र्क समझ लेते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, विजिट वीज़ा क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैनेडियन विजिट वीज़ा उस वीज़ा को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फैमिली है जिसको आप विजिट जिनको आप मिलने जा रहे हैं कैनेडा में, या फिर आप कोई ऐसा इवेंट है जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, या किसी कंपनी के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप वगैरह के लिए जाना चाह रहे हैं, या वैसे कोई मीटअप के लिए जाना चाह रहे हैं, मतलब किसी ना किसी रिसोर्स के जरिए आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विजिटर वीजा। और इसमें शर्त ये होती है कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर को मिलने, जिसको भी मिलने जा रहे हैं ना, उससे आपने एक तो इनविटेशन लेटर मंगवाना होता है और दूसरे उस बंदे के सारे डॉक्यूमेंट्स यानी वो क्या जॉब करता है, क्या कंपनी है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें आपके उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करने होते हैं, इसको बोलते हैं विजिटर वीजा। अब आते हैं टूरिज्म कैटेगरी में, टूरिस्ट वीजा उसे बोलते हैं, उसमें आपको ना तो इनविटेशन लेटर की जरूरत होती है, ना ही वहां से किसी रिसोर्स की जरूरत होती है, आपने खुद अपने बिहाफ पे अप्लाई करना होता है। कवर लेटर में आपने जो एम्बेसडर होता है या जो वीजा ऑफिसर होता है उसे रिक्वेस्ट करनी होती है कि मैं कनाडा की फला फला जगह जो है वो विजिट करना चाहता हूं, आप मुझे अपने कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा दें, इसको बोलते हैं टूरिस्ट वीज़ा। और टूरिस्ट वीज़ा कंपेयर टू विजिट वीज़ा आसान होता है, लेकिन वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस विजिट वीज़ा के होते हैं, क्योंकि वहाँ से आपकी गारंटी मिल रही होती है एम्बेसडर को कि वहाँ पर इसका बंदा है जो इसके एक्सपेंस उठा सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी में पकड़ा जाता है। लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल नहीं लगता, 100% टूरिस्ट वीज़ा भी लगता है अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली माइंड के साथ यूटिलाइज करते हैं, बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 है आपको कनाडा का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा लेना है। आप टूरिस्ट और विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का फ़र्क होता है। अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जिस बंदे को आप विजिट करने जा रहे हैं या जिस कंपनी को, उससे आपने इन्विटेशन लेटर मंगवाना होता है। टूरिस्ट वीज़ा में इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती, बस ये फ़र्क है, बाकी डॉक्यूमेंट्स टूरिस्ट और विजिट वीज़ा के सेम है। अब क्विकली आपको डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं स्टेप 2 और 3 की तरफ। स्टेप 1 में आपने टूरिस्ट या विजिट वीज़ा लेना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, आपका पासपोर्ट लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, उस पर कम अज़ कम 2 से 3 ब्लैंक पेजेस खाली सफात होने चाहिए, और 6 से 7 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्सपायर
होने में 6 से 7 महीने पड़े हों। दूसरे नंबर पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वाइट बैकग्राउंड फोटोज़ हैं और वो आपको 4 से 6 वो रख लें, वो आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा आपका CNIC कार्ड है, शनाख्ती कार्ड जिसे बोलते हैं, ओरिजिनल भी उसकी कॉपीज भी, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है नादरा से मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप 1200-1300 रुपये में घर बैठे ले सकते हैं। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट होता है, यानी आपका निकाह नामा उसको कंप्यूटराइज कर ले, वो मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके साथ आपको आपका कोविड वैक्सीन कार्ड और साथ में हेल्थ कार्ड, ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी हॉस्पिटल से मिल जाएंगी, वहाँ से आप अरेंज इसको कर लें, ठीक है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो $50,000 को कवर कर रही हो, US डॉलर को या कैनेडियन डॉलर को, तो वो आपने साथ अटैच करनी है। किसी आप अच्छे कंसल्टेंट ऑथराइज कंसल्टेंट से 3,000 से लेकर 5,000 तक ट्रैवल इंश्योरेंस खुद बनवा सकते हैं जो कि $50,000 को कवर करती हो। हमसे बनवाना चाहे हमसे बनवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अच्छा, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो नॉर्मली हर बंदे के पास होते हैं, हर बंदा इनको अरेंज कर लेता है। लेकिन अब आते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स जिनके बिहाफ पे वीज़ा लगता है। जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बनाए ना बताया ना, FRC आपका, MRC, हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें, ये ना भी हों तो वीज़ा लग जाता है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स अब मैं बताने लगा हूँ ना, इनमें से एक भी मिसिंग नहीं, इनमें से एक भी आपने ठीक नहीं ना बनाया तो आपका वीज़ा फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि FRC वगैरह आपने बनाने ही नहीं है, मैंने एक मिसाल दी है, ठीक है, वो भी आपने बनाने हैं। अब आते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। सबसे पहले आपको आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, कम अज़ कम 4 महीने की, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितनी भी कर लें, लेकिन नॉर्मली 6 महीने की स्टेटमेंट हर जो एम्बेसडर है वो मांगता है, ठीक है। 4 महीने की भी यूज़ हो जाती है अगर आपकी अच्छी स्टेटमेंट है, अदरवाइज 6 महीने की तो कंपलसरी है। 6 महीने की स्टेटमेंट आपने बनानी है। अब स्टेटमेंट बड़ी यूटिलाइज करके बनानी है यार, मैंने आपको बताया वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें A to Z समझानी है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है? स्टेटमेंट सबसे पहली चीज़ तो जब आप स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, कभी भी ऐसा ना करें कि इकट्ठे पैसे डाल दें इकट्ठे निकलवा लें, ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। स्टेटमेंट बनाते वक्त हमेशा पैसे इस तरह आपने इन आउट करने हैं जैसे जेन्युइन एक बिजनेसमैन करता है। सैलरी पर्सन का तो इशू नहीं ना होता, आपने 1.5 लाख सैलरी शो करवाई है, आपके 1.5 लाख आपके 22 तारीख को 25 तारीख को जो भी आपकी डेट डिसाइड है उस तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, आपने थोड़े थोड़े करके निकालते रहना, एक्सपेंस करते रहना, सैलरी अकाउंट की तो टेंशन नहीं होती। लेकिन जो बिजनेस स्टेटमेंट बनाते हैं वो एक गलती करते हैं कि अचानक से पैसे रख देते हैं, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, एम्बेसडर समझ जाता है कि इसने पैसे किसी से पकड़ के रख लिए हैं, वीज़ा लगने के बाद उसको वापस कर देगा, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट बनाते वक्त पैसे इस तरह ट्रांसफ़र करने हैं, इन आउट करने हैं कि आप पक्का शो होना कि आप वाकई जेन्युइन बिजनेसमैन हैं। अब ये कैसे शो होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड करना है कि यार हफ्ते के इन दिनों में मैंने अपनी एक हफ्ते में कम से कम 3 ट्रांजैक्शन करनी है, आपने 3 ट्रांजैक्शंस करनी है और हर ट्रांजैक्शन जो है अपनी बिजनेस के हिसाब से करनी है। ऐसा नहीं करना, मिसाल के तौर पे आपने दुकान परचून की शो की है और आप मतलब अपना हफ्ते में कुछ 4-5 लाख की आप इन आउट कर रहे हैं पैसों का, तो वो बिज़नेस के साथ आपकी रकम मैच नहीं हो रही ना। इस तरह करना है कि बहुत बड़ा कोई स्टोर शो कर देना है और आपकी जो इन आउट हफ्ते में आप फॉर एग्जांपल 50-60 हज़ार रुपया इन आउट कर रहे हैं, तो ये भी एक फेक शो हो जाता है कि बिज़नेस बड़ा है रकम छोटी है या बिज़नेस छोटा है रकम बड़ी है। तो जो आपका बिज़नेस जिस लेवल का शो कर रहे हैं उस लेवल की आपने इन आउट करने हैं। एक हफ्ते में डिसाइड कर लें कि इन दिनों में मैंने अपनी ट्रांजैक्शंस करनी है, एक हफ्ते में कम से कम 3 करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं कर लें। और स्टेटमेंट बनाते वक्त बैंक की एप्लीकेशन, जैज कैश, इजी पैसा, जो भी आपका मतलब जहां तक भी आप अपने पैसों को इन आउट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स के ज़रिए आपने करनी है। इसके अलावा ATM कार्ड अपना लाजमी यूज़ करें, पेट्रोल भरवाएँ, बैलेंस करें, ग्रॉसरी खरीदें, कुछ भी करें, अपनी मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लाजमी करें इसमें, ठीक है। ATM से तो पैसे निकलवाने डलवाने हैं ना, मतलब उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स जिसे कहते हैं, ये भी ई सर्विसेज भी आपने लाजमी अटैच करनी है, क्योंकि इससे बड़ा एक प्लस पॉइंट जाता है, एक बड़ा अच्छा एक व्यू जाता है एम्बेसडर को कि बंदा वाकई जेन्युइन इसकी अपनी स्टेटमेंट है। कि यार स्टेटमेंट को लेके फिर भी कोई जहन में क्वेश्चन है ना, मैंने एक वीडियो में स्टेटमेंट को A to Z सारी चीज़ें एक एक तारीख आपको बताई है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देख लें। स्टेटमेंट को लेके एक एक लफ्ज़ आपके जो भी जहन में सवाल है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, स्टेटमेंट पे मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जॉब डिटेल्स, मतलब जिस पैसे से आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, जा रहा है, खर्चे कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? या तो आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं। जॉब करते हैं तो आपने NOC लेटर, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC लेटर, लीव लेटर, ये दो चीज़ें हो गई, और साथ में सैलरी स्लिप्स आखिरी 6 महीने की,
ये चीज़ें आपने, और जो एनओसी लेटर होता है ना या लीव लेटर होता है वो कंपनी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना उस कंपनी के लेटर हेड पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी जॉब वालों के लिए। अब जो लोग बिजनेस करते हैं वो क्या करें, बिजनेस वालों के लिए क्या है कि वो अपना बिजनेस का लेटर हेड लें, उस पर अपना कवर लेटर लिखें जो आपने रिक्वेस्ट लेटर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका NTN नेशनल टैक्स नंबर, और जब भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना कोशिश करें आपका टैक्स नंबर जो नेशनल टैक्स नंबर जो NTN है वो 6-7 महीने पुराना हो। ऐसा ना हो कि जिस दिन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस दिन NTN बनवा लें। मतलब जब फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि यार मैं अगले 2023 के अगस्त में मतलब करूँगा या जनवरी में 2023 जनवरी में अप्लाई करूँगा तो मुझे अभी NTN बनवा लेना चाहिए कि जितना मेरा ओल्ड NTN होगा उतना ही मेरा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। NTN हो गया। आपकी टैक्स रिटर्न्स कम से कम 2 साल की रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी आप ज़्यादा रख सकते हैं प्लस पॉइंट आपके लिए। अच्छा, NTN टैक्स रिटर्न्स अगर जॉब वाले जो जॉब वाले हैं ना जॉब करते हैं उनको भी NTN चाहिए होगा, लेकिन उनका पर्सनल अपने नाम पे NTN बनेगा। जिनका बिजनेस है उनके बिजनेस के नाम पे NTN बनेगा, जो जॉब करते हैं उनका अपना पर्सनल NTN बनेगा उनके अपने नाम पे, ठीक है। और वो टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन बिजनेस वालों के लिए कंपलसरी है। वैसे जॉब वाले कर देंगे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब जॉब और बिजनेस डिटेल आपकी हो गई। अच्छा, बिजनेस वालों के लिए एक और चीज़ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर ले लें, कार्ड ले लें, वो आपको अरेंज कर सकते हैं, यार मुश्किल नहीं है। कोई भी लॉयर लें जो जेन्युइन हो, ये नहीं कि आजकल वकील जो है ना ये बड़ी छील उतारते हैं। वो कैसे, ये आपका NTN या टैक्स रिटर्न्स वगैरह बनाने में ना आपसे 25-30 हज़ार ले लेते हैं, तो इन चीज़ों से बचना है। 10-12 हज़ार में ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमसे करवाना चाहें हमसे भी करवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब आती है आपकी मेन चीज़ कवर लेटर। कवर लेटर मैंने आपको बता दिया, अगर तो आप जॉब करते हैं तो आपने एक जो कंपनी है ना आपकी उससे एक लेटर हेड ले लेना, उस पर अपना कवर लेटर लिख देना, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जो आपका लेटर हेड है, आपकी कंपनी का लेटर हेड है, उस पर आपने कवर लेटर लिखना है। अब कवर लेटर कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, मैंने PDF फाइल भी आपसे शेयर की है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी देखो यार, मैं आपको वो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया ना वो आपको एक आइडिया है कि यार इस तरह कवर लेटर लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि एज इट इज़ वैसा ही आपने उठा के कवर लेटर बना देना, ऐसा नहीं करना। क्योंकि देखो यार, अम्बेसडर जो है उसके पास अगर एक ही फॉर्मेट में कवर लेटर आता रहेगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा जो है ना इसको पता पुता कख नहीं है, वीज़ा अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप एक यूनिक कवर लेटर लिखेंगे ना, देखो यार, जो आप अपना माइंड यूज़ करके कवर लेटर बनाओगे ना वो एक यूनिक चीज़ बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सोच है वो किसी और की नहीं है, तो जो आप कवर लेटर लिखोगे वो एक अलग ही होगा, ठीक है। तो कवर लेटर जो है वो भी कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है, नहीं बना सकते नहीं इतना माइंड, किसी अच्छे कंसल्टेंट से 4-5 हज़ार भी लेता है तो दे दें, लेकिन कवर लेटर पहले चेक करें ओके है ठीक है, फिर उसको पैसे पे करें। क्योंकि कवर लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कवर लेटर नहीं ठीक बना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी जब फाइल जाती है ना एम्बेसडर के सामने, वो सबसे पहले आपका कवर लेटर देखता है, अगर उसमें कोई जान होगी फिर वो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट देखेगा, अगर कवर लेटर उससे मज़ा ना आया तो फिर वो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी उठा के साइड पर कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई गाड़ी नाम है आपके, घर नाम है, कोई बंगला नाम है, कोई आपके शेयर्स हैं, कोई साइड बिजनेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे एडिशनल होते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप साथ अटैच कर दें तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होते हैं आपका वीज़ा लगने में, ठीक है। कि आपका होटल बुकिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है, ये रिजर्वेशन होती है, रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन करें, और कन्फर्मेशन ना करें रिजर्वेशन कर लें वो भी चल जाती है, फ्री कर सकते हैं आप booking.com वगैरह से। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बाकी एडिशनल आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कोई, अदरवाइज़ मेन यही डॉक्यूमेंट्स थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन, लेके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वीज़ा फ़ीस की बात करें, 30-35 हज़ार वीज़ा की फ़ीस हो सकती है एम्बेसी की फ़ीस, आपने वो पे करके अपने टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है। स्टेप नंबर 1 आपका यहाँ तक ख़त्म होता है। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में अगर तो आपको वीज़ा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो एक चीज़ लाजमी करनी है, एम्बेसी को बोलना है भाई मुझे रिजेक्शन की रीज़न दो, वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करते हैं जो रिजेक्शन की रीज़न पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें देखें आपने क्या क्या गलतियां की हैं, उनको ठीक करें, उनको मतलब दोबारा रीअप्लाई करें वीज़ा के लिए, ठीक है। पहले अपनी गलतियां देख लें, मेरी क्या क्या गलती है, किस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसको अच्छी तरह कस्टमाइज़ करें,
उसको ओके करें और फिर दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो वही आपके कुछ यूज़ आ जाएंगे, कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स आपको मजीद बनाने पड़ेंगे नए, आप दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। अच्छा, अगर तो वीज़ा ना मिले तो ये सीन है, अगर मिल जाए फिर आपने क्या करना है, आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा लेके कनाडा आएंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, आपने सबसे पहले इंटरनेशनल या कैनेडियन दोनों फॉर्मेट्स में से कोई भी आपने सीवी जो है रेज्यूम होती है वो बना लेनी है, अगर आपको टूरिस्ट या विजिट वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि उसके बेस पे आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, ठीक है। सीवी नहीं पास होगी तो यार कैसे उसे समझाओगे, ठीक है, कि मैं ये कर लेता हूँ, मेरी ये एजुकेशन है। सीवी सबसे पहले आपने बनानी है कैनेडियन या इंटरनेशनल फॉर्मेट में, बना के आपने वो साथ लेनी है और चले जाना है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ बना के देती हैं, हमारे थ्रू भी सीवी बनवा सकते हैं, यहाँ पे नंबर चल रहा है इंटरनेशनल फॉर्मेट पेड फॉर्मेट से हमारे पास, आप हमारे थ्रू भी बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीवी लेके अपना टूरिस्ट वीज़ा पे आपने कनाडा में चले जाना है। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ हो रही हैं वेबसाइट्स, ठीक है। ये वो वेबसाइट्स हैं, अगर कोई बंदा कनाडा में चला जाता है वो इन वेबसाइट्स के थ्रू जॉब ले सकता है। एक बात याद रखिए, एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, एक कनाडा में बैठा है, दोनों में से अगर कनाडा वाला अप्लाई कर रहा है जॉब्स में इन्हीं वेबसाइट पे और पाकिस्तान में भी बंदा बैठ के इन वेबसाइट्स पे अप्लाई कर रहा है, समझ लें कि 20-25% चांसेस हैं कि पाकिस्तान वाले को रिस्पॉन्स मिलेगा और 60-70% चांसेस हैं कि जो कनाडा में बैठा है उस बंदे को रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयर का इतना खर्चा नहीं होगा उस बंदे को हायर करने में, अगर कोई पाकिस्तान से वो बुलाएगा तो देखें यार वो उसके फ्लाइट भी देगा, उसका LMI लेगा, फलां चीज़ लेगा, फलां लेगा, लेकिन जब एक बंदा उसे ऑलरेडी कनाडा में मिल रहा है वो उसे पकड़ के अपना जॉब पर रख लेगा, ठीक है। तो जॉब अगर आप कनाडा चले जाते हैं टूरिस्ट विजिट वीज़ा पे तो जॉब 100% 2-3 दिन के अंदर आपको 100% मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मतलब विजिट वीज़ा के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, या आप इतना पैसे नहीं है, या आप प्रोसेस से डरते हैं, या आप अप्लाई नहीं करना चाहते टूरिस्ट वीज़ा, आप चाहते हैं यार बस फ्री में कोई ना कोई जैक लग जाए, फिर आप इन्हीं वेबसाइट के थ्रू पाकिस्तान में बैठ के भी अपनी सीवी अपलोड करके जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर तो आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे गए, आपने जॉब में अप्लाई किया, सीवी भेजी इन वेबसाइट पे, आपको जॉब मिल गई, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा और कम से कम वर्क परमिट कनाडा का 2 साल का मिलता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आपने इन वेबसाइट पे अप्लाई किया, आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ आपका इन टच हो गया, रब्ता हो गया, तो वो एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर भेजेगा, उसके बेसिस से आप अपना वर्क परमिट लेके कनाडा चले जाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से अगर आप वर्क परमिट लेके कनाडा चले जाते हैं तो कनाडा में आपने 1560 घंटे स्पेंड करने होते हैं किसी भी एक एम्प्लॉयर के पास टिक के, मतलब एक एम्प्लॉयर के पास टिक के आपने 1 साल काम कर लिया ना तो समझ लिया आप PR अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको कैनेडियन आ जाता है, 1 साल आप वहाँ पर काम कर लेते हैं तो आप फिर समझ लें कि PR अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। PR के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जब बंदा चला जाता है इस फील्ड में घुस जाता है तो फिर अल्लाह ताला और बड़े रास्ते दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मजीद समझ जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि एक और प्रोसेस है, एक और तरीके के ज़रिए आप वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपका कनाडा में कोई ना कोई दोस्त है, रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, कोई कंपनी के साथ आपका ताल्लुक है या कोई कॉन्टैक्ट हुआ है, तो आप उसके ज़रिए उसको बोलेंगे कि मुझे ऑफ़र लेटर अरेंज करके दे। वो अगर आपको ऑफ़र लेटर अरेंज कर देता है कनाडा से, फिर भी आप पाकिस्तान से डायरेक्ट एम्बेसी से वर्क वीज़ा लेके कनाडा जा सकते हैं और PR वगैरह 1 साल वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके PR वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, मैंने A to Z सारी चीज़ें, मैंने ये नहीं किया कि इधर से वाली चीज़ इधर खींच दूँ, इधर वाली चीज़ इधर खींच दूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने क्विकली जितनी जल्दी हो सका सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, ताकि सारी चीज़ें आप खुद करके अपने लिए बगैर एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के सिर्फ 35,000 में कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे वर्क वीज़ा ले सकें। क्योंकि विजिट वीज़ा कनाडा का वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कनाडा की। आपको समझ आ गई है तो आज इसे कोशिश कर दें, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोशिश शुरू कर दें आज से बनाने की। 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद कभी ना कभी तो अपनी फाइल कंप्लीट कर लेंगे ना। तो वीडियो बाकी आपको समझ आई है तो लाइक करें, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, बाकी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।